टप्पू ने भाई देख लो हमारी पिछड़ी, देख रहे हो ये हिली है, देख लो भाई चले लेके उड़ के। तो भाई लोग आज हम घूम रहे हैं यहाँ लैम्बोर्गिनी में, श्री कृष्ण टेम्पल विजिट करना बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस अगर आप अरब स्ट्रीट आते हो तो ये हाजी लेन है, तो वो इसमें थोड़ा बहुत खाने वाने के ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं और वहाँ शायद पीयूष लोग भी आने वाले हैं और वेदर काफ़ी अच्छा हो गया सिंगापुर का, क्लाउडी हो गया। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ ना वेदर कभी भी चेंज आता है, कभी बारिश आती है, तो हमेशा एक बैग में ना छाता लेके चलना, कभी बारिश हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, 5 मिनट होगी फिर रुक जाएगी फिर धूप आ जाएगी, सो अम्ब्रेला लेके चले। ओके चिल्ड्रन गार्डन भी भाई यहाँ पे बच्चों के लिए तो जन्नत है भाई यार, मस्त एकदम, क्या मस्त वेदर है। और दिस इज द चिल्ड्रन गार्डन, बारिश पड़ गया तो भाई लोग जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ बारिश कभी पड़ जाती है, बारिश होने लगी बाहर तो मेरे से थोड़ा रुक के यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। तो मेरे को ड्रैगन फ्रूट दिखा है, ड्रैगन फ्रूट ट्राई करता हूँ, कुछ $2.40 का पड़ा है और देखते हैं कब तक बारिश रुकती है, फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई लोग बारिश रुकी नहीं लेकिन मेट्रो स्टेशन पास में ही है तो मैंने छाता निकाल लिया, फटाफट मेट्रो में घुस के फिर बोगीस पहुँचते हैं, वहाँ भी घूम के आते हैं ज़रा, है ना, पास में ही यहाँ से बिल्कुल 1-2 मेट्रो स्टेशन ही आगे पीछे। ठीक है समरिया, बोगीस जंक्शन से बाहर निकलती है, आपको 2 रास्ते मिलेंगे, गए इंटर कॉन्टिनेंटल भी है यहाँ का, देखो एकदम मस्त ATMs वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। भाई लोग अगर खाने के शौकीन हो तो इस जगह पे आना बिल्कुल मत भूलना, वो कि इसमें जैसे ही आप एग्जिट कर दो मेट्रो स्टेशन से वहीं पे आपको दिख मिल जाएगा, बहुत अमेजिंग वैराइटीज़ है अगर नॉन वेजिटेरियन हो आपको, बाकी वो केक्स और बहुत सारे खाने के ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब तो इतनी खतरनाक खाने की खुशबू आ रही थी ना, बहुत तेज़ी भूख लगी थी, तो मैंने अभी फ्राइड राइस लिया है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मिला है, तो फ्राइड राइस खाते हैं फिर से यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग के लिए आगे सुविधा मिलते हैं बड़े अच्छे, फिर उसके और स्ट्रीट्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे आगे। तो गाइस अब हम आ गए हैं बुगिस स्ट्रीट, अगर आप फूडी हो तो इट्स बेस्ट प्लेस फॉर यू, यहाँ सारे खाने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आप लोगों को। तो गाइस अब बुगिस स्ट्रीट के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉस्को है बहुत सुल्तान मॉस्को करके, बहुत फेमस है वो भी, चल के पास में ही है तो देखाते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे। सो गाइस जैसे आप अरब स्ट्रीट में पहुँचते हो थोड़ा सा आगे चल के अगर आप राइट देखोगे तो ये रहा सुल्तान मॉस्को जो काफ़ी फेमस है, पूरा वृंदावन बनाया हुआ है भाई, क्या लिखा है तो भाई ये हो गई अरब स्ट्रीट यहाँ की। तो भाई यहाँ कुछ रेस फेस्टिवल चल रहा है, स्पोर्ट्स कर रखे हैं लोग, बैठ के फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और उसी रस्ते में थोड़ा सा अंदर आया तो मुझे एग्जैक्टली एड्रेस तो नहीं पता है बट सही जगह एकदम। सो भाई लोग आज हम घूम रहे हैं यहाँ लैम्बोर्गिनी में, तो बाकी की डिटेल आगे बताता हूँ, मस्त एकदम। सो गाइस मॉस्को के बाद ना उसने मैप ने मुझे घुमा के बुगिस स्ट्रीट में लिया है, तो बुगिस स्ट्रीट में पूरा चक्कर काटने के बाद अब यहाँ दिखा रहा है, चलो। अरे कहना क्या चाहते हो, देख के आते हैं क्या है आगे। भाई लोग ऐसे गलियों कुछ से घुस घुस के मैप दिखा रहा है और थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट लेके
श्री कृष्ण का जो टेम्पल आ जाएगा। तो भाई लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण के टेम्पल में, जो कि 19th century का बताते हैं। मैप में तो ऐसे लिखा हुआ था सर। वाओ, देखो भाई प्राचीन टेम्पल है, भीड़ लगी हुई तगड़ी, आरती भी हो रही है मस्त एकदम। भाई दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, श्री कृष्ण भगवान का मंदिर तो मिल ही जाता है। सो गाइस, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो और बुगिस स्ट्रीट की साइड आओगे तो श्री कृष्ण टेम्पल विजिट करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत ही पास में है और बहुत ही अमेजिंग, एकदम अच्छे सा बनाया मंदिर है, मज़ा आ गया। बहुत पुराना है, 19th century का मंदिर है, और इसी के बगल में एक और कुछ चाइनीज़ का टेम्पल भी है गए आई गेस। तो गाइस, अगर आप अरब स्ट्रीट आते हो तो ये हाजी लेन है, तो शाम के टाइम में बहुत अच्छा माहौल बना रहता है यहाँ पे। अगर आप ऐसी वाइबिंग चाहिए तो आप यहाँ आना मत भूलना। ये है वही, क्या नाम बताया शाही का? तो भाई लोग, ये अगर अरब स्ट्रीट आने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे भाई चाय वाले की अदरक की चाय जरूर ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है, दिन भर की थकान मिटा दी एकदम। क्या बोलते हो पीयूष भाई? और मीट पीयूष एंड मेघना। हाँ ये देखिए भाई, देख लो देख लो, ले भाई रेस भी देख ली और क्या चाहिए। वैसे अभी 12:15 हैं और मैं आ गया हूँ चेन्नई एयरपोर्ट, बिकॉज मेरी फ्लाइट जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 की है। पीयूष भाई कह रहे थे कि सुबह चले जाना, बट आई वॉज लाइक कि यार क्यों परेशान करना किसी को, क्योंकि 6 है तो 3 का चेक इन होगा।